आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर जो एनएसक्यू ऑफ लेवल 5 है उसके जो थ्योरी क्वेश्चन है इलेक्ट्रिशियन के फर्स्ट ईयर के, वो क्वेश्चन एक एक मॉड्यूल का हम देखने वाले हैं। जैसे आज का मॉड्यूल है हमारा सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल, तो इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दो लैंग्वेज में रहेंगे, एक रहेगा इंग्लिश और दूसरा रहेगा हिंदी। आपको रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं बोलूँगा तो जैसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट होगा तो आपको पॉज करके पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन अगर पढ़ते जाऊँ तो टाइम आपका बहुत चला जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। ये जो साइन देखे तो ये सुरक्षा चिन्ह जो है इसका नाम क्या है। चार ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन देखने के पहले इधर देख लीजिए कि जो गोल आता है उसको प्रोहिबिटेड साइन बोलते हैं, ये मैंडेटरी साइन है, वार्निंग साइन है और इन्फॉर्मेशन साइन है। तो अब ये साइन की तरफ देख के आप होता है, चारों साइन याद कर लेना है। ये साइन है आपका इन्फॉर्मेशन साइन, मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन में चार देखेंगे आप तो चारों में से ये आता है हमारा इन्फॉर्मेशन में, तो हमारा ऑप्शन रहेगा इसका डी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्मूथरिंग, तो अग्नि का शमन क्या है। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें ये वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे इधर देखिए, ये स्टार्विंग, स्मूथरिंग एंड कूलिंग, तो ये तीनों अलग अलग टाइप है। तो जैसे स्टार्विंग होता है उसमें क्या करते हैं कि जिस वजह से आग लगी है उसको हटा देते हैं, जैसे ऑयल से लगी है आग तो ऑयल को हटा देंगे। उसके बाद स्मूथरिंग मतलब क्या होता है कि उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसका ऑक्सीजन रोक देते हैं ताकि वो उसकी आग बुझ जाए करके। उसके बाद है कूलिंग, कूलिंग मतलब उसमें पानी डाल के आग बुझा देते हैं। तो यहाँ पे वर्ड है हमारा स्मूथरिंग, तो स्मूथरिंग मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देते। तो ये चार जो ऑप्शन है, जैसे अग्नि में ईंधन डालना ये ऐसा तो कर नहीं सकते हम, अग्नि से ईंधन अलग करना ये आता है स्टार्विंग में आता है, जल का उपयोग करना ये कूलिंग में आता है, और ये आखिरी है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना मतलब ऑक्सीजन रोक देना। तो इसमें से आप चार में से आपको पता चल गया होगा कि आपका सही ऑप्शन है डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए। उसके बाद है, व्हाट इज़ द फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड उसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक हानि। तो अभी देखो चार ऑप्शन देखे तो यहाँ पे फिजिकल हजार्ड कौन से ये भी लिखा है। तो अभी देखो चार ऑप्शन में एक एक करके मैं समझा देता। एक है स्मोकिंग, अगर आप धूम्रपान करते हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फिजिकल हानि नहीं हो। फिजिकल हानि मतलब ये समझ लो, फिजिकल हजार्ड मतलब क्या होता है कि मैं अगर एक आधा पत्थर लूँ और आपको फेंक के मार दूँ तो ये होगा आपका फिजिकल हजार्ड। तो इसमें से कौन सा फिजिकल है, तो ये स्मोकिंग भी फिजिकल में नहीं आती, करोजन मतलब वो भी नहीं आता, रेडियो एक्टिव वो भी फिजिकल में नहीं आता, सिर्फ एक ही है हमारे पास वाइब्रेशन। तो सिर्फ वाइब्रेशन हमारा आता है फिजिकल में, क्योंकि तो पता है आपके जेब में मोबाइल रख दिए तो आपको पता है कैसे वाइब्रेट होता है, तो वही फिजिकल हजार्ड है। तो इसका सही आंसर रहेगा वाइब्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्मिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब जब आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर बताया, आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ करने का अभी इतने चार ऑप्शन देखे कि इसमें से क्या करते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखा है, याद रखने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है पास करके। ये इंग्लिश में पी मतलब पुल, ए मतलब एम, यस मतलब स्क्वेंज और यस मतलब स्वीप। तो इसको हिंदी में ये करेंगे कि जैसे अभी फायर एक्सटिंग्विशर सभी ने देखे, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको एक चेन लगी होती है तो उस चेन को खींचना पड़ता है मतलब पुल करना पड़ता है। उसके बाद जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे निशाना लगाना पड़ता है, नहीं तो आग एक तरफ है और हम फायर एक्सटिंग्विशर दूसरी तरफ पकड़ेंगे तो आग बुझेंगी नहीं, उसको बोलते हैं एम। और ये क्वेंज मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ब्रेक होता है उसकी तरह दबाने का एक मैकेनिज्म होता है, वो दबाने से फायर एक्सटिंग्विशर में से जो भी फोम है जो भी है, मतलब बुझाने के लिए यूज़ करते हैं वो बाहर निकलता है, तो उसको क्वेंज बोलते हैं। और ये होता है स्वीप मतलब जैसे गार्डन में हम पानी मारते हैं चारों तरफ ऐसे घुमा घुमा, तो ऐसे आग लगाने के आग जहाँ पे लगी है वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर घुमाना है, तो ये प्रोसीजर है। तो अब इसमें पूरा पढ़ लेंगे आप एक एक ऑप्शन की, आपको धोखा देने के लिए कैसे आगे पीछे ऑप्शन करके है। तो आपका सही ऑप्शन अगर देखेंगे आपको पता है सबसे पहले चेन निकालना है मतलब खींचना है, उसके बाद निशान लगाना है तो ये देखो निशान लगाना है, उसके बाद मैंने बोला कि ब्रेक जैसा मैकेनिज्म होता है उसको दबाना है तो ये दबाना है, उसके बाद घुमाना है मतलब जैसे हम पानी मारते वैसे घुमाना है, तो ये हो गया घुमाने का। तो आप देखेंगे तो चारों में से एक ही ऑप्शन सही है जो है ऑप्शन नंबर वन, और बाकी इसमें आपको गुमराह किया है, अच्छे से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है कि विच स्टेप ऑफ 5S कॉन्सेप्ट रेफर स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब जो 5S का एक संकल्पना है आप थ्योरी में पढ़े होंगे, तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन किस लेवल पे आता है मतलब किस स्टेप में आता है। तो यहाँ पे स्टेप दी है, तो आप देखेंगे कि पहला है मतलब सॉर्टिंग है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, शाइन क्लीननेस है, एंड ये चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये आता है स्टेप नंबर फोर में, तो आपका आंसर होगा, आपको ये चारों याद कर लेना है, तो ये आपका आंसर रहेगा फोर
मतलब डी स्टेप फोर स्टैंडर्डाइजेशन आता है स्टेप फोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है कि विच प्लायर इज यूज फॉर मेकिंग वायर हुक एंड लूप। तो आपको पता है वायर का हुक बनाना हो, मतलब हुक मतलब ऐसे कोई गोल चीज बनाना हो या तो कोई लूप बनाना हो, जैसे गोल वाला जो भी काम रहता है, वायर को गोल गोल करना है समझो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि प्लायर आपके पास बहुत सारी, यहाँ पे नाम देखे तो एक ही प्लायर है, तो ये जो प्लायर है इसका ये जो आगे वाला नोज होता है ये गोल होता है, मतलब आगे से देखेंगे ऐसे गोल होता है, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है आगे आगे, तो ये इसको ये जो प्लायर है उसका नाम है राउंड नोज प्लायर। तो आपको इसमें ढूंढना है कि ये कोई काम का नहीं है, सिर्फ एक ही काम का है राउंड नोज, तो यहाँ पे देखेंगे कि राउंड नोज प्लायर हमारा सी पे, तो इसका मतलब आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर, ये पिंसर का डायग्राम है, आपने देखे होंगे आपके ITI में टूल्स है उसमें ये पिंसर करके एक टूल है, तो पिंसर से आपके ध्यान में आता भी होगा कि उसमें से क्या करते हैं, ये देख के आपने देखा भी होगा यूज किया भी होगा, चार ऑप्शन है, चार में से इसका काम है कीले निकालना, जैसे प्लाईवुड को या तो किसी लकड़ी के ऊपर कीले लगे होते हैं उसको आप निकाल सकते हो, आप देखे होंगे जनरली, तो ये ना ट्विस्टिंग के लिए मतलब तार तोड़ने के लिए भी नहीं होता है, कुछ भी करने के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ होता है पिन निकालने के लिए, पिन मतलब जिसको कीले बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा आंसर रहेगा ये रहेगा लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने के लिए, मतलब हमारा सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और से एक चिन्ह दिया है कि ये रोड सेफ्टी साइन है, तो ये इसका नाम क्या है, वही चार ऑप्शन दिए है, तो जो हमारा मंडेटरी था उसमें एक ट्रायंगल निकाला था जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था, तो उसी में इस ये भी साइन होता है जिसको आठ साइड होती है, एक सर्कुलर होता है क्रॉस करके, रोड वाले साइन है, तो ये भी मंडेटरी में आता है, तो ये जो क्वेश्चन है ये जो सिंबल दिखा है उसका सही आंसर रहेगा, आप देख के भी बता सकते हैं कि ये आता है मैंडेटरी में, तो मैंडेटरी मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको भविष्य में हमारे अपडेट मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन। वार्निंग साइन मतलब आपको बताइए 1, 2, 3, 4 लिखा है तो उसमें वार्निंग मतलब है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होता है, तो आप कलर में पहले बोला पूरा याद कर लो कलर कौन सा है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका कलर होता है पीला, येलो कलर, तो हमारा इसका आंसर रहेगा हमारा येलो, येलो मतलब हमारा है सी पे, तो ये रहेगा इसका आंसर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिक, मतलब विद्युत उपकरण में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के बहुत सारे टाइप है, तो बहुत सारे टाइप है, तो हर अलग अलग एक्सटिंग्विशर अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पानी से पानी का अलग होता है, फोम का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, तो वही अभी विद्युत उपकरण से जो आग लगती है जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, तो ये चार में से आपको आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं उसको बुझाने के लिए, तो आपको याद करने लगा इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो ध्यान में रखना है कि जब भी विद्युत उपकरण में आग लगेंगी तो उसको बुझाने के लिए हमारा जो ये है उसका नाम है ऑप्शन ए है हैलन प्रकार का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको यूज कर दे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला गया है कि विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट, मतलब हम जो वेस्ट डिस्पोज करते हैं ना, तो डिस्पोज करने के लिए मतलब पता है ना उसको, एक तो रिसाइकल करते हैं या तो जला देते हैं उसमें से, तो वेस्ट डिस्पोज करते हैं तो उसमें से कौन सी मेथड है जिसके कारण हीट तैयार होती है, उष्णता तैयार, गर्मी पैदा होती है, तो आप चारों देखेंगे रिसाइकल है ये तो आपको पता है कि जनरली हीट कहाँ से निकलती है, जब कुछ जलाएंगे तब हीट निकलेगी, तो इसमें जलाने वाला ऑप्शन एक ही है भस्मीकरण, जैसे ना भस्म कर दिया बोलते, उसी तरह भस्मीकरण मतलब पूरा जला देना, तो उसमें से क्या होती है हीट निकलती है, बाकी चार ये जो बचे 3 ऑप्शन है इसमें हीट का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपने ये नाम PPE, ये जब से कोरोना निकला है तब से आप ज़्यादा ही सुने होंगे कि PPE किट खत्म हो गई, तो ये PPE किट का लॉन्ग फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो ये फ्यूम के लिए, फ्यूम मतलब जो धुआं निकलता है, और धुएं के लिए हम लोग उसको, उससे बचने के लिए क्या है, जैसे हम गाड़ी पे बैठते हैं तो सर ना फूटे करके हेलमेट पहन लेते हैं, उसी तरह भी धुएं से बचने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, हमारे पास चार ऑप्शन है, तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, शायद सभी को बताऊंगा कि गॉगल लगाएंगे कि क्या लगाएंगे, हमारे नाक में जाने वाला है धुआं, तो नाक में जाने के लिए हम पता है मास्क ही लगाएंगे, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी नोज मास्क, मतलब नाक को हम कवच लगा देंगे अगर धुआं निकल रहा है धुएं से बचना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS,
आपने ये अभी जो फर्स्ट ईयर का ड्राइंग का पेपर प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ उसमें भी देखे होंगे कि ये बी आई एस वर्ड दिखाऊंगा आपने, तो इसमें पूछा गया है कि ये बी आई एस मतलब क्या, ये आपको बार बार दिखेंगे, ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, हमेशा आपके साथ ही रहने वाला है। तो बी आई एस का लॉन्ग फॉर्म क्या है, चार ऑप्शन है। बी आई एस मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे ऑप्शन देखे, बस ध्यान रखना है आई मतलब इंडिया होता है और यस मतलब स्टैंडर्ड होता है। अभी बी से आप बोर्ड बोलेंगे, ब्यूरो बोलेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि ये ब्यूरो है, मतलब बी आई एस का लॉन्ग फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ध्यान रखना है, रट लेना है। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो भी ऑप्शन है उसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हेवी लोड, जैसे मतलब एकदम भारी चीज़ें, ये ऐसे भारी चीज़ें उठाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। हमारे पास चार ऑप्शन है, आप पिक्चर में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे और कई और भी देखे होंगे। तो ये लिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये एक वर्कर होता है, उसके हाथ में रिमोट होता है और ऊपर से ऐसी चेन लगी होती है और रिमोट से ही किसी चीज़ को आगे पीछे ऊपर नीचे करता है, तो उसको बोलते हैं क्रेन, बोलते हैं क्रेन एंड स्लिंग्स करके ये उसका नाम है। तो ये कंपनी में वगैरह इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है, तो ये ऑप्शन है हेवी लोड, बाकी तीन ऑप्शन इनवैलिड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द स्टारविंग, देखो ये इसके पहले भी आया था, स्टारविंग मतलब क्या होता है, स्मूथिंग मतलब क्या होता है, कूलिंग मतलब स्टार्टिंग मतलब मैं पहले बोल चुका हूँ पहले क्वेश्चन में कि आग जिस वजह से लगी है उसको निकाल दो, स्टारविंग मतलब। तो अभी स्टारविंग मतलब ही पूछा है कि आग बुझाने में स्टारविंग क्या है, तो क्या है मतलब, अभी देखो इतने ऑप्शन है, अग्नि में ईंधन मिलाना, अभी आग बढ़ाना नहीं है, आग बुझाना है हमें, तो ईंधन थोड़ी ना बढ़ाएंगे। जल का भी उपयोग करना, ये कूलिंग में आता है। अग्नि से ईंधन को अलग करना, जो भी अग्नि मतलब आग लगी है वहाँ से ईंधन को हटा देना, ये हमारा ऑप्शन है। और ये अग्नि को ऑक्सीजन पूर्तता करना, ये स्मूथरिंग में आता है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी व्हाट इज़ द नेम ऑफ पी पी मतलब आपको पता है, इसके पहले भी हमें एक्सप्लेन किया है। ये हेलमेट जैसा दिख रहा है आपको, आपने देखा होगा जो वेल्डिंग शॉप में देखेंगे या तो वेल्डिंग वाला ट्रेड है वहाँ पे देखेंगे कि हाथ में ऐसे पकड़ने के लिए एक फेस कवर होता है। तो अभी यहाँ पे चार ऑप्शन है, अभी नाक को नहीं लगाएंगे, हैंड को, हेड को भी नहीं लगाएंगे ये, तो अभी दो ऑप्शन बचे, एक तो फेस शील्ड और दूसरा है हैंड स्क्रीन। तो आपको इसका नाम बताऊंगा, इसका नाम आप इसमें पढ़े भी होंगे, ये हमारा हैंड स्क्रीन जो आपको वेल्डिंग की दुकान में दिखता है, तो ये इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी मतलब 4 रहेगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब डिस्पोजल जो मेथड है हमारी, मतलब विघटन करने के लिए जो यूज़ करते हैं हम, तो कौन सी मेथड है कि जिससे एनर्जी हमारी सेव होने वाली है। तो इतने सारी है, तो पता है आपको कि जैसे हम बॉटल वगैरह फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, ग्लास की बॉटल वगैरह, प्लास्टिक की बॉटल, तो उसको और से वो भंगार वाले उठा के लेके जाते हैं, तो काय के लिए लेके जाते, घर में थोड़ी ना लेके जाते, लेके जाते रिसाइकिलिंग करने के लिए, मतलब उसका और से बॉटल लेके जाएंगे प्लास्टिक की या तो कांच की, उससे और दूसरी बॉटल बनाएंगे, मतलब उसको रिसाइकिल करना है, तो उससे क्या होती है कि सेव होता है एनर्जी हमारा। तो 17 का ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे बोला है कि विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज यूज प्रीफर टू विक्टम विद इंजर ऑन द चेस्ट एंड बेली, मतलब देखो ये इसमें क्वेश्चन है कि जैसे कृत्रिम श्वसन के लिए हमारे पास विधि है, ये चार पांच मेथड है हमारे पास, तो उसमें जिसके चेस्ट को, छाती को लगाए, पेट को लगाए, तो इसमें से कौन सी मेथड यूज़ करेंगे। तो ये चारों मेथड अभी इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी चेस्ट को लगाए तो ये बाकी की मेथड कोई काम की नहीं है। इसमें ये जो नेल्सन है आर्म लिफ्ट बैक मेथड, मतलब नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि है, वही यूज़ कर सकते हैं। कब, जब किसी के छाती और पेट को लगाए, तब आपको ये वाली मेथड यूज़ करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, उसमें बोला है विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ हजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन, मतलब कौन सा व्यावसायिक व्यस्त है कि खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। संक्रमण मतलब जैसे भी कोरोना का संक्रमण चल रहा है तो उसको संक्रमण बोलते हैं। तो हमारे जो इंडस्ट्रियल इसमें यह होता है कि किसी को इंजुरी होती है, तो इंजुरी होने के बाद कौन सी इंजुरी है जिसके कारण कि हमें दूसरे को लग सकती है, संक्रमण हो सकती है। जैसे अगर मेरे को करंट लगा है तो आपको आपके थोड़ी ना बाल ऊपर होने वाले हैं। जैसे कि फिजिकली अगर मेरा हाथ पैर टूट गया, मतलब शारीरिक ये हो गया मुझे, तो आप मेरे हाथ पैर टूटने से आपके थोड़ी ना टूटने वाले। और उसके बाद है साइकोलॉजिकल, मतलब मानसिक, मैं अगर पागल हो गया तो आप पागल होने वाले नहीं हो। बट ये जो जैविक नुकसान है, जैविक मतलब वैसे ही कोरोना एक कंसिडर कर लो, ये कोरोना तो बाहर का हो गया हमारा इंडस्ट्रियल में, जो भी बायोलॉजिकल हजार्ड होती है उसके कारण अगर मुझे कुछ हुआ है तो यही हजार्ड आपके आपके साथ भी हो सकता है, मतलब आपको इन्फेक्शन फैला सकता है। तो ये जो
19वां क्वेश्चन है, उसका सही आंसर रहेगा बायोलॉजिकल हजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें भी ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, रिपीट मतलब इसी तरह का क्वेश्चन पहले हो चुका है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल, आप देखेंगे इसका डायग्राम पहले भी देख चुके हैं, ये पिंसर का डायग्राम। तो ये पिंसर का काम क्या है पता है आपको, कीले निकालना, कहाँ से लकड़ी से कीले निकालना। तो अभी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मे बी आपको ये आंसर पता है। तो यह रहेगा एक्सट्रैक्ट नेल फ्रॉम वुड, मतलब लकड़ी से कीले निकालने के लिए यूज करते हैं, इसका नाम है पिंसर, जो पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हाउ विल यू डायग्नोस इज द विक्टम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब जो दिल का दौरा कहते हैं हम लोग, जनरल सी बात है, पहचानेंगे कैसे, डॉक्टर तो है नहीं, बट कुछ बेसिक आइडेंटिटी होती है कि उसके रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा क्या, मुंह पूरी तरह से बंद हो गया क्या, पेट में सूजन आ गई क्या, या तो ओठों के चारों ओर नीला रंग आ गया। तो जब भी दिल का दौरा पड़ता है तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे ओठों के इर्द गिर्द पूरा ब्लू कलर हो जाता है, मतलब नीला कलर। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है कि अगर किसी को दिल का दौरा आ गया तो आप भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये 21 क्वेश्चन नंबर का है, ऑप्शन नंबर रहेगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। अभी देखो और एक टूल आ गया, ये भी टूल आपने देखा होगा लगभग, ये इससे ना वायर काट सकते हैं हम लोग, ना ये आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है, ना क्रिम्पिंग टूल है। तो ये कैंची जैसे दिख रहा है आपको, कैंची जैसे दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा कटिंग वाला ही होगा कुछ। तो इसमें चार ऑप्शन में देखेंगे आप, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जिसको यहाँ पे लिखा है कटिंग प्लायर, तो ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग कट करने के लिए। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, डायगोनल कटिंग प्लायर, चार में से एक ही बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला ये साइन, पहले भी बोला कि ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा तो मतलब आएगा 100%। देखो यहाँ पे बोला है कि इसका नाम क्या है, अभी चार ऑप्शन है आपके पास, आप देख के भी बोल सकते हैं कि अगर आपको याद होती होगा मैंडेटरी साइन, मतलब अनिवार्य, करना है तो करना है, इस तरह का ये सिंबल हर बहुत जगह लगा होता है। तो इसमें मैंडेटरी वाला ऑप्शन है हमारा कहाँ पे, ये मैंडेटरी वाला ऑप्शन है हमारा बी, तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। What will the first aid to be given to stop the bleeding of victim? यहाँ पे पूछा गया है कि अगर किसी पीड़ित है हमारे साथ जो काम करने वाला इंडस्ट्री में, उसको अगर खून चालू हो गया, मतलब लग गया है उसको, खून का बहाव चल रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। आपको भी पता है इसका आंसर कि जब भी आपका हाथ कट जाता है या तो उंगली कट जाती है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले काटने के बाद हॉस्पिटल नहीं जाते हो इसी उंगली पकड़ के, आप सबसे पहले आप उसको दबा के रखते हैं। तो इसमें देखो मलम लगाना है, भाग को ऊपर करना है, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना है, ड्रेसिंग वेसिंग बाद में करते, पहले जहाँ पे कटा है वहाँ पे क्या करते हैं, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, मतलब हम दबा के रखते हैं, उससे क्या होता है कि खून निकलना रुक जाता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका आंसर है हमारा डी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको भविष्य में हमारे अपडेट मिलते रहे। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोला गया है कि अगर कोई पीड़ित जो इलेक्ट्रिक स्रोत है उसको अभी कनेक्ट है, मतलब वो उसको करंट लगा है, उस वक्त आप क्या करेंगे। चार ऑप्शन देखे कि हाथों द्वारा उसको खींचेंगे तो धक्का देंगे, तो अभी इसी बात है आप उसको हाथ लगाएंगे तो उसके बालों के साथ आपके भी बाल खड़े हो जाएंगे, तो ये तो नहीं कर सकते हम। उसके बाद है आपके प्राधिकारी विद्युत के बारे में जानकारी, मतलब जो भी आपका हेड रहेगा अपने हमारे ऊपर काम करने वाला, उसको जाकर जानकारी देंगे, तब तक उसकी विकेट चली जाएंगी, उसका गेम हो जाएगा तब तक, ये भी नहीं कर सकते। उसके बाद है कॉल समवन फॉर हेल्पिंग, मतलब किसी को आवाज़ देना, आवाज़ देते देते उसकी टिकट तो कटना ही है 100%। उसके बाद चौथा ऑप्शन है कि जहाँ से उसको करंट लगाए उसको बंद कर दो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि किसी को करंट लगाए तो जहाँ से करंट लगाए वापस स्विच ऑफ कर दो, या तो पूरी लाइट ही बंद कर दो, पावर ऑफ कर दो, ऑब्वियसली वो बच जाएगा। तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन का आंसर है डी, 25 आंसर है हमारा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ये भी सिंबल आपने बहुत बार देखे होंगे सिग्नल पे, खास करके कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉशन साइन। तो ये जो साइन है इसका ये क्या है, मतलब काय के लिए लगा है ना, स्कूल देखो ये जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं और यहाँ पे एक आदमी चलते हुए जा रहा है, तो ना गार्डन का है ये कुछ नहीं, ये है हमारा क्रॉसिंग का है, मतलब पैदल क्रॉसिंग करते हैं ना वहाँ पे, आप जहाँ पे सिग्नल दिखेंगे वहाँ पे आपको दिख ही जाएगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, सही आप जो आंसर है ये रहेगा क्रॉसिंग वाला डी रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे बोला है कि पीड़ित को सिर में चोट लगी है तो उसके लिए अभी वो मर रहा है बिल्कुल, तो मरते वक्त उसके लिए सुवर्ण घंटा कौन सा है, मतलब गोल्डन जो बोलेंगे कि गोल्डन टाइम कौन सा है कि उसको में उसको लेके जाना है, जैसे बोलते हैं ना हम कभी कभी कि यार 5 मिनट पहले लेके गए हो तो बच गया होता,
तो वही बच गया होता, मतलब उसका गोल्डन ओवर कितने टाइम में, तो जब भी उसको अभी मर रहा है और सिर पे चोट लगी है तो उसका गोल्डन ओवर मतलब 30 मिनट होता है, मतलब जैसे ही चोट लगती है उसके 30 मिनट में आपको हॉस्पिटल पहुंचाना है, उसकी ट्रीटमेंट होने को नहीं होता, वो बचेगा। तो ये जो क्वेश्चन है उसका गोल्डन ओवर क्या होता है, 30 मिनट होता है, तो ये रहेगा इसका ऑप्शन बी। उसके बाद है नेक्स्ट 28, नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 28 है कि विक्टिम को कोमा के स्टेज में आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो कौन सी स्टेज है। तो आपको पता है कोमा में आप सीरियल टीवी में देखते हो, जो कोमा में ना मुंह हिलाता ना आँख हिलाता, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो यहाँ पे जो अभी ऑप्शन है, देखेंगे पहला है बेहोश रहना, बुलाने पर उत्तर देना। अभी कोमा वाला कभी बोल सकता है क्या, नहीं बोल सकता। आप ये पढ़ेंगे ना आपको जनरली पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पे होश में रहना, होश में होता ही नहीं हो, सांस लेने पर बुलाने पर उत्तर न देना, सांस लेगा हो पर उत्तर न देगा, मतलब उसको समझने वाला थोड़ी ना है। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है पूरी तरह से संवेदनहीन, मतलब उसको कोई सेंस नहीं रहेगा, होकर लेटा रहेगा, उसको आप बुलाओ नहीं तो मारो, उसको कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन है हमारा डी, तो इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट मॉडल के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए कंटिन्यू करने के लिए, धन्यवाद।